हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अमीश और आप देख रहे हैं हम स्ट्रेसफुल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में कि कौन सा कैपेसिटर कैसे पहचानेंगे कि किस टाइप का है और उन्हें किस जगह पर यूज़ में लिया जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं सीधे डेस्कटॉप की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर्स हमेशा दो तरह के होते हैं, एक पोलराइज और एक नॉन पोलराइज। पोलराइज में क्या होता है कि आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिव पोल कौन सा है और पॉजिटिव पोल कौन सा है, और उसमें एक इंडिकेशन भी दिया रहता है कि ये नेगेटिव है और ये वाला लेग पॉजिटिव है। अब नॉन पोलराइज में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया होता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसे आप एसी और डीसी दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप इस तरह का एक डीसी कैपेसिटर देख रहे हैं जो कि आपने अक्सर अपने पावर सप्लाई में देखा होगा, जहाँ पर डीसी का वोल्टेज बह रहा होता है, और इस जगह पर आपको अपने वोल्टेज को फिल्टर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ज़रा सा भी एसी का अंश एसी वोल्टेज का अंश रह जाता है तो उसे फिल्टर करने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है एक डीसी कैपेसिटर की, जो कि एक पोलराइज कैपेसिटर कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1000 माइक्रोफेराड और 35 वोल्ट। तो 35 वोल्ट से ऊपर जाने पर ही ये कैपेसिटर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, और उससे कम की वोल्टेज पे ये सरवाइव करते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर। अब ये क्या होता है कि ये एक बहुत ही हाई वोल्टेज कैपेसिटर होते हैं और जिसकी वैल्यू लगभग 400 450 250 300 मतलब करीब करीब ये एसी के लिए यूज़ में आता है, और इनका यूज़ आप चीप सीएफएल के अंदर सर्किट बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई के तौर पे किया जाता है। यहाँ तक कि कभी अगर आपने मॉस्किटो बैट को भी ओपन करके देखा होगा तो वहाँ पर भी आपको ये कैपेसिटर मिल जाता है। ये क्या करता है कि ये एसी करंट को अपने अंदर होल्ड किया रहता है, और जैसे ही आप मॉस्किटो उसके करीब ले जाते हैं बैट के, तुरंत ये अपना चार्ज डिस्चार्ज कर देता है उस मॉस्किटो की ओर। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा सिरामिक डिस्क कैपेसिटर, जो दिखने में बिल्कुल दाल जैसा होता है कई बार, और ये भी एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर है जिसे हम अक्सर हमारे सर्किट बोर्ड्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा रन कैपेसिटर, जो कि आपने अक्सर हमारे फ़ैन और कूलर में देखा हुआ होगा, जो कि छोटी मोटर्स होती हैं उन्हीं में ये यूज़ में लिया जाता है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये हमारे रोटर को मूव करवाती रहती है लगातार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा एक स्टार्टर कैपेसिटर। अब स्टार्टर कैपेसिटर और रन कैपेसिटर में काफ़ी डिफरेंस है। अब स्टार्ट कैपेसिटर क्या करता है कि हमारे किसी हैवी मोटर को, जैसे चक्की की मोटर हो गई या फिर कोई कंप्रेसर हो गया एसी का, फ्रिज का, तो वहाँ पर ये क्या करता है कि रोटर को घुमाने के लिए ये एक जंप पावर देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है। लेकिन स्टोर तो कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए, 1 से 2 सेकंड के अंदर ही इसका काम जो है ख़त्म हो जाता है किसी भी कंप्रेसर या फिर चक्की के मोटर पर, जो कि ज़्यादा हाई हॉर्स पावर पर बनती है। और जैसे ही हमारा मोटर चल पड़ता है तुरंत ही इसका काम ख़त्म हो जाता है, और ये ऑटोमेटिकली उस मोटर से डिसकनेक्ट हो जाता है, और तुरंत हमारा ये जो रन कैपेसिटर होता है इसका काम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है एक 3 लेग्स वाला कैपेसिटर, जिसमें आपको हमेशा वैल्यू दिखी मिलेगी 50+6, 50+4, 100+4, 100+2.5, ऐसे करके इसकी MFD लिखी हुई होती है। और ये भी एक कैपेसिटर है जो कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, और इसका भी यूज़ हम लोग एसी में या फ्रिज में, इस तरह के बहुत से हैवी मोटर्स में करते हैं। दोस्तों नॉन पोलराइज कैपेसिटर आपको कुछ इस तरह का भी नज़र आ जाता है कई बार। अगर उसके सिलेंडर को देखें तो आपको दोनों ही तरफ आपको एक सिंगल लेग्स मिल जाती है, जिसमें आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव। तो इसे भी हम डायरेक्टली एसी डीसी किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चाहें तो निवॉन एक्सप्रेस पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपना एक छोटा सा स्टोर एज अ स्टोर खोल सकते हैं, और चाहें तो आप इनसे फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत से ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे सेल एट निवॉन एक्सप्रेस, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, जो कि आपके कॉम्पोनेंट्स हैं या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि आप बेचना चाहते हैं इस निवॉन एक्सप्रेस पर, तो आप यहाँ पर इन्हें लिस्टिंग करवा करके अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चाहें तो इनके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पर ले जा करके वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी बेच सकते हैं, और उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यार मैं यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ आपको कि कुछ इस तरह का एक फॉर्म होगा जिसे आपको फिल करना है, और उसे
इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर देना है। यहाँ पर सेंड करते ही आपको जो है कुछ वक्त के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपसे आपकी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले करके आपको बता दिया जाएगा कि यह पार्टनरशिप प्रोग्राम कैसे काम करता है। इवन आप अगर और एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो आप इसी पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके चाहें तो अच्छी तरह से इसके हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। निवॉन एक्सप्रेस पर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे डीआईवाई प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि होम ऑटोमेशन के ऊपर सिस्टम्स मिल जाते हैं, यहाँ तक का आपको बहुत से बायोमेट्रिक सिस्टम मिल जाते हैं जो कि आप अगर चाहें तो अपने ऑफिस में लगवा सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को डायरेक्ट आप एक सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इन्हीं से अपने इस पूरे सेटअप को अपने ऑफिस में लगवा सकते हैं। ये आपको पूरी मदद करेंगे आपके ऐप को तैयार करने में, इवन आपके ऑफिस में इसे पूरा असेंबल और इंस्टॉल करने में। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो भाई अच्छी लग गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मैं जैसे कोई नई वाली वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।